दिस इज इंग्लिश ग्रामर क्लास. टॉपिक इज एडवर्ब. फर्स्ट लेक्चर हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे लिया था, जिसमें हमने जो भी एग्जाम में एरर्स आती हैं उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस करे. अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है तो ये लेक्चर पढ़ने के बाद आप यहाँ पे आके इस एनोटेशन पे क्लिक करके आप इस लेक्चर को देख सकते हैं. ओके, तो आज हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस करेंगे एडवर्ब से रिलेटेड, जो एग्जाम में जिसपे एरर्स बनती है, उसके बाद फिर हम कुछ एरर्स भी करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस से जो एग्जाम में बहुत बार देखे गए हैं. पहला फ्रेज है सेल्डम और नेवर. सेल्डम मीन्स होता क्या है? सेल्डम मीन्स होता है शायद कभी. ओके, और नेवर मीन्स क्या होता है? कभी नहीं. तो ये एक फ्रेज है जहां हम बोलते हैं सेल्डम और नेवर. ठीक है, मतलब शायद कभी या कभी नहीं. ओके, अगर हमें नेवर का यूज नहीं करना तो हम लिखते हैं एवर, है ना. लेकिन आप डायरेक्ट एवर नहीं लिख सकते. एवर मीन्स क्या होता है? हमेशा. नेवर मीन्स क्या होता है? कभी नहीं. अगर हमें एवर का यूज करना है तो हमें लगाना होता है इफ, यानी हम बोलते हैं सेल्डम इफ एवर. ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है. अगर एग्जाम में कैसे पूछते हैं, एग्जाम में कैसे लिखा होता है सेल्डम और एवर, तो गलत है. अगर लिखा होता है सेल्डम एवर, वो भी गलत है. यानी सेल्डम अगर आपको लिखना है तो आपको इफ एवर लगाना पड़ेगा ही. ओके, तो सेल्डम मीन्स शायद कभी, इफ एवर मीन्स अगर कभी. ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है जहां पे एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं. ठीक है, सेकेंड चीज लिटिल और नथिंग. लिटिल और नथिंग मीन्स क्या होता है? लिटिल मीन्स होता है कुछ और नथिंग मीन्स होता है कुछ भी नहीं. तो देखो, लिटिल मीन्स एक नेगेटिव टर्म है और इसके साथ नथिंग आएगा. लिटिल और नथिंग मीन्स कुछ या कुछ भी नहीं. ओके, अगर हमें एनीथिंग यहाँ पे लिखा होगा तो वो गलत लिखा होगा. अगर आपको एनीथिंग का यूज करना है, एनीथिंग मीन्स मतलब कुछ और नथिंग मीन्स क्या? कुछ भी नहीं. तो अगर हमें एनीथिंग का यूज करना है तो हमें इफ का यूज करना पड़ेगा, यानी लिटिल इफ एनीथिंग. तो ये फोर फ्रेजेस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज सेल्डम और नेवर, मीन शायद कभी या कभी नहीं. सेकेंड इज लिटिल और नथिंग, कुछ या कुछ भी नहीं. थर्ड इज सेल्डम इफ एवर, शायद कभी या अगर कभी. ओके, फोर्थ इज लिटिल इफ एनीथिंग, मीन्स कुछ अगर कुछ भी. ओके, तो ये फोर फ्रेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसपे एरर्स बनती है. इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. पहला एग्जाम्पल लिखा है वी सेल्डम और एवर मीट आवर रिलेटिव दीस डेज, मतलब हम शायद कभी या हमेशा इन दिनों अपने रिलेटिव से मिलते हैं. ओके, तो सेल्डम यानी शायद कभी और इसके साथ एवर लिखा है, यानी फुली पॉजिटिव वर्ड है, यानी हमेशा. तो ये तो कभी आएगा नहीं. वी सेल्डम और नेवर मीन्स हम शायद कभी या कभी नहीं इन दिनों अपने रिलेटिव से मिलते हैं. ओके, तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं. सेकंड, आई कैन फाइंड लिटिल और एवरीथिंग टू फॉल्ट इन दिस बुक, मैं इस बुक में, मैं इस किताब में कुछ या सब कुछ गलतियां निकाल सकता हूं. ओके, तो ये कैसी बात हुई कि कुछ या सब कुछ? तो गलत है. लिटिल के साथ क्या आएगा? लिटिल और नथिंग, कुछ या कुछ भी नहीं. ठीक है, यानी मैं इस बुक में कुछ या कुछ भी गलतियां नहीं निकाल सकता. ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है जो आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज कॉमन एरर्स विद एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स. ये ऐसा सेक्शन है जहां पे एग्जामिनर बहुत फोकस करता है और वो पूरी कोशिश करता है कि यहां से वो एरर बनाए. ओके, यानी यहाँ पे एडवर्ब और एडजेक्टिव में आपको कंफ्यूज में एडवर्ब और एडजेक्टिव के बीच के डिफरेंस को रिकॉग्नाइज कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि कई जगह तो बिल्कुल सेम होते हैं और कई जगह बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. तो इतने कम टाइम में इसको रिकॉग्नाइज कर पाना, इसलिए एग्जामिनर का जो मेन फोकस होता है इस एरर्स पे भी रहता है. इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एरर ये बन जाती है. ओके, जैसे एक एग्जाम्पल से एडवर्ब और एडजेक्टिव को हम समझेंगे. पहला एग्जाम्पल लिखा है ही बिहेव वेरी बैड ऑन द ट्रिप, उसने ट्रिप पर बहुत ही बुरा व्यवहार करा था. ठीक है, बहुत ही बुरा बिहेवियर करा था. तो देखो, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? उसने ट्रिप पर बहुत बुरा व्यवहार करा था, मीन्स यहाँ बोल रहा है व्यवहार और यहाँ बोल रहा है वेरी बैड, मतलब उसने ट्रिप पर बहुत बुरा व्यवहार करा था. एडवर्ब वो होते हैं जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, यानी वर्ब की विशेषता बताते हैं. ठीक है, एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं, यहां तक कि खुद एडवर्ब की विशेषता बताते हैं. तो वो होते हैं एडवर्ब्स. ठीक है, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं. जैसे यहां लिखा है हिज बिहेवियर इज बैड, मीन्स उस पर्सन का बिहेवियर बुरा है. मीन्स आप जिस पर्सन के बारे में बात करें, आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं कि वो पर्सन है, उसका बिहेवियर जो है बहुत बुरा है. यानी आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, यानी आप उसकी विशेषता बता रहे हैं. तो यानी एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे जो यूज हुआ है वो हुआ है बैड. ओके, यानी बैड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, जो आप विशेषता बता रहे हैं उस पर्सन की. यहाँ लिखा है ही बिहेव वेरी बैड ऑन द ट्रिप, उसने यात्रा पर, उसने ट्रिप पर बहुत ही बुरा व्यवहार करा था. ठीक है, यानी बिहेव मीन्स क्या होता है? व्यवहार करना. और यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है और यहाँ पे ये इसकी विशेषता क्या बता रहे हैं? वेरी बैड, मतलब बहुत बुरा व्यवहार करा था. यानी मैंने आपको क्या बताया कि वो एडवर्ब्स वो होते हैं जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, जो वर्ब की विशेषता बताते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इसकी विशेषता कौन बताएगा? क्या एडजेक्टिव बताएगा? नहीं, यही गलती होती है. जब भी कोई भी वर्ब होती है उसको मॉडिफाई करने हमेशा एडवर्ब आता है. ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए? ही बिहेव वेरी बैडली ऑन द ट्रिप, यहाँ पे क्या लगेगा? एल वाई. ओके, तो ही बिहेव वेरी बैडली ऑन द ट्रिप, ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट है जहां पे मोस्टली गलतियां होती है. ओके,
नेक्स्ट इज नेगेटिव एडवर्ब शुड नॉट यूज विद द वर्ड नेगेटिव इन द मीनिंग, सो टू नेगेटिव शुड बी अवॉइडेड. ओके, कभी भी नेगेटिव एडवर्ब हो और उसके साथ आप दूसरा नेगेटिव वर्ड जोड़ दें तो वो हमेशा रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना. जैसे seldom, seldom means क्या होता है, शायद. Nowhere means कहीं नहीं. Never means कभी नहीं. Nothing means कुछ नहीं. ओके, hardly means क्या होता है, मुश्किल से. तो ये अपने आप में एक नेगेटिव है और उसमें आप नेगेटिव और जोड़ देंगे तो वो गलत हो जाएगा. Scarcely, शायद. Neither, ना तो ये ना वो. Barely, मुश्किल से. तो ये सब नेगेटिव है. ओके, तो इनके साथ दूसरा नेगेटिव आपको ऐड नहीं करना है. जैसे लिखा है, they do not seldom come here. ठीक है, वो शायद यहां नहीं आते. तो seldom अपने आप में एक नेगेटिव था, इसके साथ आपने एक और नेगेटिव जोड़ दिया तो ये गलत हो गया. यहाँ पे क्या होना चाहिए, they seldom come here. ओके, सेकंड लिखा है, she hardly knows nothing about the family. वो फैमिली के बारे में मुश्किल से ही कुछ नहीं जानती है. लेकिन ये गलत है. हार्डली के साथ हमेशा क्या आता है, एनीथिंग आता है. इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, हार्डली के साथ हमेशा एनीथिंग का यूज करिए. मतलब वो मुश्किल से ही फैमिली के अबाउट कुछ जानती हो. ओके, तो ये हमारा यहाँ पे नो गलत है. यहाँ पे होना चाहिए था एनीथिंग. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है. ये एडवर्ब बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक है. मींस आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या एडजेक्टिव को एडवर्ब की तरह बोल गए या फिर आप क्या प्रीपोजिशन को एडवर्ब की तरह बोल गए. क्योंकि कई जगह ऐसा है कि प्रीपोजिशन एडवर्ब सेम है, एडजेक्टिव एडवर्ब सेम है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एडवर्ब सबसे इंपॉर्टेंट है. मैंने पहला टॉपिक बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सेकंड मैं बता रहा हूँ एडवर्ब. ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. अब एडवर्ब के टाइप जान लेते हैं कि एडवर्ब के कितने टाइप्स होते हैं और एडवर्ब को कैसे यूज करते हैं. ओके, तो पहला एडवर्ब ऑफ टाइम, जहां पे हम टाइम की तरह एडवर्ब को यूज करते हैं. मीन्स किसी वर्ड के होने का या किसी चीज के होने का टाइम बताया जाए आपको. जैसे मैं बोलूं आई केम लेट, मतलब मैं देर से आया. तो यहाँ पे केम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्ब की तरह आया है और इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है, लेट कर रहा है. यानी केम को मॉडिफाई करने के लिए लेट आया, आई केम लेट मतलब मैं देर से आया. ओके, अब तो जब भी हम किसी वर्ब को या एग्जेक्टिव को या वर्ब प्लस एग्जेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हम जिस चीज को लगाते हैं उसको बोलते हैं एडवर्ब. ओके, तो टाइम के एडवर्ब क्या लगाते हैं, बिफोर, एगो, लेटली, येट, नाउ, सून, एक्सेट्रा. ओके, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी होता है कि आप कोई चीज किस मैनर में हो रही है. मीन्स हमेशा होती है, एक बार होती है, शायद कभी होती है, अक्सर होती है. जैसे मैं बोलूँ शी ऑफन कम्स टू मीट मी, मतलब वो अक्सर मुझसे मिलने आती है. तो मैं यहाँ पे किस चीज को मॉडिफाई करूँ, मिलने आती है, मीन्स अक्सर मिलने आती है. ओके, तो यहाँ पे आने को मॉडिफाई कौन कर रहा है, अक्सर कर रहे हैं. ओके, तो इस तरह से हम एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी यूज करते हैं. थर्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस, जहां बोलते हैं हियर, एवरीवेयर, डाउन, नियर, अवे, बैकवर्ड, अपवर्ड, ये सब बोलते हैं. तो जैसे मैं बोलूं कि आई कुड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर, मैं उसको कहीं भी नहीं ढूंढ सका. तो ढूंढ नहीं सका यानी फाउंड, और उसको मॉडिफाई करने के लिए कौन आया, कि कहीं भी नहीं ढूंढ सका. ओके, तो इस तरह से प्लेस के एडवर्ब्स यूज करते हैं. इसी तरह मैनर्स के एडवर्ब यूज करते हैं कि कोई किसी कार्य के करने का तरीका बताता है आपको. जैसे मैं बोलूं कि ही वॉक स्लोली, कि वो बहुत धीमे चलता है. ठीक है, ही वॉक स्लोली, ही वॉक ऑनेस्टली, वो ईमानदारी से काम करता है. तो यहाँ पे मैं उसका तरीका बता रहा हूँ, उसका मैनर बता रहा हूँ. ओके, तो इस तरह से हम यूज करते हैं ये एडवर्ब्स. ठीक है, ऐसे एडवर्ब अफर्मेशन, निगेशन होते हैं, जहां आप सर्टेनली बोलते हैं, अपेरेंटली बोलते हैं, नो बोलते हैं, अनडाउटेडली बोलते हैं. जैसे एक एग्जांपल दूं तो मैं बोलूंगा कि आई विल श्योरली रिपे द लोन, मतलब मैं लोन को पक्का रिपे कर दूंगा. ओके, तो यहाँ पे आप एक अफर्मेशन दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम ऐसे एडवर्ब को यूज करते हैं. फिर नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री, जहां हम बोलते हैं कि किस हद तक, जैसे ऑलमोस्ट, फुली, वेरी, इनफ, टू, रियली. जैसे दिस वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, ये वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ये वर्क लगभग कंप्लीट है, पूरा है. ओके, तो यहां बताते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री में एडवर्ब यूज करते हैं. फिर इंट्रोगेटिव एडवर्ब, जहां हाउ, व्हाट, व्हेन, व्हाई, मतलब कब, क्यों, कहां, कैसे. जैसे कहें कि व्हाई आर यू सरप्राइज्ड, तुम क्यों सरप्राइज हो. ओके, तो इस तरह से हम इन एडवर्ब को यूज करते हैं. ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स है जो आपको पता होनी चाहिए थी कि एडवर्ब को हम यूज किस वे में कर सकते हैं. ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं. नेक्स्ट इज लेट एंड लेटली. लेट और लेटली के बीच हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. देखिए, लेट जो होता है वो एग्जेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है. मींस इसको दोनों तरह यूज कर सकते हैं. ओके, और लेटली जो होता है वो सिर्फ एडवर्ब की तरह यूज होता है. तो इसका डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, पहली बात. दूसरी बात ये कि लेट मींस क्या होता है, देर, और लेटली मींस क्या होता है, हाल फिलहाल. मॉडर्न वे में इसको बोलते हैं रिसेंटली. ओके, तो हाल फिलहाल के लिए हम क्या यूज करते हैं, लेटली. जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाऊं तो आई हैव नॉट सीन हर लेटली, मतलब मैंने उसको हाल फिलहाल नहीं देखा है. ओके, तो यहाँ पे आपने क्या बोला, मैंने उसको हाल फिलहाल नहीं देखा है, यानी लेटली और सीन, यानी सीन को मॉडिफाई करने के लिए आया लेटली. ओके, सेकंड इज ही केम लेट फॉर द मीटिंग, वो मीटिंग के लिए देर से आया. तो यहाँ पे बता रहा है कि वो देर से आया, यानी यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए कौन आएगा, एडवर्ब आएगा. और ये एडवर्ब की तरह भी यूज होता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो लेट है वो एग्जेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह यूज होता है, लेकिन जो लेटली वो सिर्फ एडवर्ब की तरह यूज होता है. ओके, तो यहाँ पे हम लेटली नहीं लगा सकते थे, यहाँ पे लेटली गलत हो जाता,
लेटली मीन्स क्या होता है? हाल फिलहाल. ओके, ऐसे सेम डिफरेंस हार्ड और हार्डली के बीच होता है, ऐसे सेम डिफरेंस लाउड और अलाउड के बीच होता है. लेकिन लाउड क्या होता है? लाउड एग्जेक्टिव की तरह यूज होता है और अलाउड जो होता है वो एडवर्ब की तरह यूज होता है. ओके, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट इज यूज ऑफ एल्स एंड अदर. ये इतना इंपॉर्टेंट रूल है कि इस पे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए. ओके, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है. आपका जो भी फॉर्मेशन होता है एल्स के साथ, वो हमेशा बट में होता है. मींस आप एल्स के साथ बट का यूज करते हैं और अदर के साथ किस चीज का यूज करते हैं? देन का यूज करते हैं. तो एग्जाम में कई बार ऐसा रखा जाता है कि एल्स के साथ देन रख देते हैं या फिर अदर के साथ बट रख देते हैं. तो आपको हमेशा वहां पे फॉर्मेशन क्या देखना है? एल्स के साथ किस चीज का यूज होता है? बट का यूज होता है. और अदर के साथ किस चीज का यूज होता है? देन का यूज होता है. सेकेंड चीज, यहाँ पे जो लिखा हुआ टी एच ए एन, इस पे भी पूरा फोकस रखेगा. एग्जाम में कई बार यहाँ पे टी एच ई एन लिखते हैं, मींस उसका मतलब क्या होता है? देन का, उस देन का मतलब होता है फिर, और इस देन का मतलब क्या होता है? जब कंपैरिजन करते हैं, जैसे अदर देन, अदरवाइज देन. तो ये आपको रूल याद रखना है कि एल्स बट और अदर देन. ओके, सम एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे कि हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए. ओके, तो फर्स्ट लिखा है इट इज नथिंग एल्स देन शियर मैडनेस, मतलब ये कुछ नहीं सरासर पागलपन है. तो यहाँ पे एल्स लिखा है यानी इसके साथ क्या आना चाहिए? बट आना चाहिए. यहाँ पे क्या लिखा है? देन लिखा है, तो ये रॉन्ग है. ओके, सेकंड, शी हैड नो अदर अल्टरनेटिव बट स्टे हियर, उसके पास यहाँ रुकने के अलावा कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं था. ओके, यानी यहाँ पे अदर लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? देन आना चाहिए था. यहाँ क्या लिखा है? बट, तो ये रॉन्ग है. ओके, थर्ड, शी हैड नो वन एल्स टू लुक आफ्टर हर एक्सेप्ट मी, उसके पास मेरे अलावा उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था. तो शी हैड नो वन एल्स टू लुक आफ्टर हर बट मी. ओके, एक्सेप्ट यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ क्या होना चाहिए था? बट. ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ओके, नेक्स्ट इज यूज एडवर्ब एज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको आपको कॉपी में जरूर नोट करना चाहिए कि एज की तरह जब एडवर्ब को यूज करते हैं तो किसके साथ लगाना चाहिए और किसके साथ नहीं लगाना चाहिए. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है किसके साथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार इसमें कंफ्यूज कर देते हैं और इसमें कई एरर्स बनती है. ओके, देखिये, जैसे पहला लिखा है रिगार्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. रिगार्ड के साथ हमेशा एज आता है. डिस्क्राइब के साथ हमेशा एज लगाना चाहिए. डिफाइन के साथ हमेशा एज लगाना चाहिए. ट्रीट के साथ हमेशा एज लगाना चाहिए. व्यू के साथ हमेशा एज लगाना चाहिए. नो के साथ हमेशा एज लगाना चाहिए, जैसे बोलते हैं ना ही इज नोन एज. ओके, तो नो के साथ भी एज लगाना चाहिए. तो इनके साथ तो एज लगाना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फिर ये है कि एज किसके साथ नहीं लगाना चाहिए. तो देखिए, नेम के साथ कभी एज नहीं लगाना चाहिए. इलेक्ट के साथ कभी एज नहीं लगाना. तो इलेक्ट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, थिंक के साथ कभी एज नहीं आता. कंसीडर के साथ नहीं आता. कॉल के साथ नहीं आता. अपॉइंट के साथ भी एज नहीं आता. ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ओके, इलेक्ट, अपॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे मेक के साथ नहीं आता. चूज के साथ एज नहीं आता. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है जहां पे आपको पता होना चाहिए कि एज का यूज हमें किसके साथ नहीं करना चाहिए. क्योंकि एग्जांपल से अच्छे से समझ लेते हैं. तो पहला एग्जांपल लिखा है रिगार्ड हर माई सिस्टर, तो रिगार्ड के साथ क्या आता है? एज आता है. तो आई रिगार्ड हर एज माई सिस्टर, मैं उसको अपनी सिस्टर की तरह मानता हूँ. ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. सेकेंड लिखा है शी इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, वो मेरी क्लास की बेस्ट स्टूडेंट की तरह मानी जाती है. तो कंसिडर के साथ कभी भी एज नहीं आता. ठीक है, तो क्या आना चाहिए था? शी इज कंसिडर्ड द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास. ओके, तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं. ये कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए कि किसके साथ हमें एज लगाना है और किसके साथ हमें एज नहीं लगाना है. ओके, तो इसको प्लीज राइट डाउन कर लीजिएगा. नेक्स्ट, जब भी एडवर्ब सबसे पहले आए तो उसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है और उसके बाद फिर सब्जेक्ट आता है. ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एडवर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट. मींस यहां पे जैसे लिखा है सेल्डम, सेल्डम मींस क्या होता है? शायद कभी. ये एक एडवर्ब है. तो इसके बाद क्या आना चाहिए? सेल्डम, उसके बाद डस यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर सब्जेक्ट यानी ही. ओके, तो सेल्डम डस ही कम टू दिल्ली. तो इस तरह से इसका फॉर्मेशन आप हमेशा याद रखिएगा. सिर्फ एक चीज याद रखिएगा कि एडवर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट. ओके, सेकेंड लिखा है हार्डली हैड शी रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव. देखो, हार्डली जब भी लिखा हो तो उसके साथ व्हेन आता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. जैसे हार्डली है, नो सूनर है, तो इस पे बेस्ड जो एरर्स है, जब मैं एरर के सेट बनाने स्टार्ट करूंगा आपके लिए, तब उसमें मैं ये सारे जो एरर्स है वो उसमें इंक्लूड कर दूंगा. जितनी बेसिक एरर्स है वो उसमें इंक्लूड कर दूंगा, तो जिससे वो सब भी आपके लिए कवर हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे आपको एक चीज का याद रखना है कि एडवर्ब जो है वो पहले हो अगर, तभी ये सब चीजें फॉलो करेगा. जैसे एडवर्ब यहाँ पे सेल्डम था, यहाँ पे हार्डली है. अब देखो, हार्डली के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए. आई है, क्या आया? हेड आया. और इसके बाद क्या है? सब्जेक्ट है. ये हमारा जो ये स्ट्रक्चर है, ये सही स्ट्रक्चर है. हार्डली हैड शी रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड. ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके. अब कुछ एरर्स करते हैं. फर्स्ट एरर लिखी, हर स्पीच वॉज नॉट क्लियरली
बट वी अंडरस्टूड द अंडरलाइनिंग मीनिंग. ओके, मैंने आपको क्या बताया, एडजेक्टिव और एडवर्ब की एरर में अगर आपको डिस्टिंग्विश करना आ गया, जो इस पूरे लेक्चर का मकसद था. ठीक है, मेरे पूरा लेक्चर का मकसद यही था कि मैं आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब के बीच का डिफरेंस बता पाऊं. मैंने इसका पूरा ट्राई करा है. ओके, देखो, हर स्पीच वॉज नॉट क्लियरली. मैंने बताया कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, और जो एडवर्ब होता है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है. तो यहां लिखा है उसका भाषण क्लियर नहीं था. ठीक है, यहाँ पे जो स्पीच है वो नाउन है, और इसको मॉडिफाई कौन करेगा, एडजेक्टिव करेगा. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, क्लियर आना चाहिए था. हर स्पीच वॉज नॉट क्लियर, ना कि एल वाई, क्लियरली नहीं आना चाहिए था. यहाँ पे कोई वर्ब यूज नहीं हुई है, यहाँ बोला है उसका जो भाषण था वो क्लियर नहीं था. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हर स्पीच वॉज नॉट क्लियर बट वी अंडरस्टूड द अंडरलाइनिंग मीनिंग. ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरर थी. नेक्स्ट इज, दो ही वॉज ब्रेव, ही कुड नॉट फेस द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ मैनली. हालांकि वो बहादुर था, फिर भी वो बहादुरी से लाइफ के अप्स एंड डाउन्स का सामना नहीं कर सका. ओके, तो यहाँ लिखा है हालांकि वो बहादुर था, फिर भी वो बहादुरी से नहीं कर पाया. यानी ये बता रहा है कि बहादुर था, फिर भी बहादुरी से नहीं कर पाया. नहीं, इस बहादुर को मॉडिफाई करने के लिए ये आया है मैनली. लेकिन जो मैनली है ये एग्जेक्टिव है, ये एडवर्ब नहीं है. एडवर्ब क्या होता है इसका, मैनफुली. मैनफुली मीन्स होता है कुशलता से, या फिर कहें अच्छे से. बाकी वो बहादुर था, फिर भी अच्छे से वो लाइफ के अप्स एंड डाउन का सामना नहीं कर सका, ये इसका मतलब है. यानी मैनली जो होता है वो एग्जेक्टिव होता है, और मैनफुली जो होता है वो एडवर्ब होता है. इसलिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, मैनफुली. ओके, नेक्स्ट इज, व्हेन आई रीड हिज बायोग्राफी आई हार्डली फाउंड समथिंग इन हिज कैरेक्टर दैट आई कुड एडमायर. ओके, देखो हार्डली के साथ हमेशा क्या आता है, एनीथिंग आता है, समथिंग नहीं आता. ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, हार्डली के साथ क्या आना चाहिए, एनीथिंग. ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. तो आई हार्डली फाउंड एनीथिंग इन हिज कैरेक्टर दैट आई कुड एडमायर. ओके, नेक्स्ट इज, वीना वर्क वेरी हार्डली एज शी वॉन्टेड टू बी अ सर्जन. वीना ने बहुत मुश्किलों से काम किया क्योंकि वो सर्जन बनना चाहती थी. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हार्ड जो होता है वो एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों ही तरह यूज होता है. जैसे मैंने आपको इसके पहले बताया कि लेट और लेटली के डिफरेंस बताया था, जहां पे लेट को बताया था कि लेट एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों ही तरह यूज होता है, लेकिन लेटली सिर्फ एडवर्ब की तरह यूज होता है. ऐसे हार्डली भी सिर्फ एडवर्ब की तरह यूज होता है. मीन्स हम यहाँ पे हार्ड भी यूज कर सकते हैं. देखो सेंटेंस का मतलब क्या है, वीना वर्क वेरी हार्ड, वीना ने बहुत मेहनत से काम किया क्योंकि वो सर्जन बनना चाहती थी. इसलिए यहाँ पे एलवाई का जो यूज है वो क्या है, गलत है. यहाँ पे क्या होना चाहिए, वीना वर्क वेरी हार्ड. हार्ड यहाँ पे किस तरह आया है, एडवर्ब की तरह आया है. हार्ड, लेट, ये सब क्या है, एडवर्ब की तरह भी यूज होते हैं. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जहां पे आपको इसको समझना था. ओके, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ यू लाइक अवर एफर्ट, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड कॉमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो. ओके, सो नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. हैव अ वेरी नाइस डे.